प्यारे बच्चों, एक घने जंगल में चीता रहता था। वह काफी बुढ़ा हो गया था। बुढ़ा होने के कारण शिकार उसके हाथ से निकल जाते थे। एक दिन चीता जंगल में टहल रहा था कि देखता है कुछ लकड़बग्घे हिरण का मांस खा रहे थे। तभी चीता एक उपाय सोचकर बोलता है, यदि तुम लोग यह हिरण आज खाने को हमें दे दोगे तो कल हम तुम लोगों को ढेर सारा मांस खाने के लिए देंगे। तभी सभी मूर्ख लकड़बग्घे शिकार चीता को दे देते हैं। चीता शिकार को लेकर नदी के किनारे वाले पेड़ पर ले जाकर खाने ही वाला था कि चीता के मुंह से शिकार छूटकर पानी में गिर जाता है। तो चीता आवाज लगाकर मदद मांगने लगता है। तभी नदी से एक जलपरी निकलकर पूछती है कि तुमको किस प्रकार का मदद चाहिए। चीता सारी बातें बताता है। फिर जलपरी उसे दो मछली खाने के लिए दे देती है, जिसे खाकर चीता अपना भूख शांत कर लेता है। चीता दूसरे दिन पेड़ पर चढ़कर पत्थर फेंककर बोलता है, जलपरी उसे फिर दो मछली खाने के लिए दे देती है। तीसरे दिन चीता जलपरी को बुलाकर बोलता है कि मैं मछली खा कर थक चुका हूँ, मुझे कुछ नया खाने के लिए दे दो। तब जलपरी चीते की सारी चालाकी समझ जाती है और एक मगरमच्छ प्रकट करती है, जो चीते को उसके चालाकी सहित खा जाती है।